दो आइसक्रीम लाया, एक मम्मी के लिए एक खुद के लिए, मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लेके आया। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो सुबह के हमारे बज रहे फिलहाल 11 और बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद, अभी तो आज कुछ भी नहीं हुआ है, मम्मी ने सारा काम पहले ही कर लिया है, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ मम्मी ने बना लिया है, चाय और नाश्ता कर रहे हैं। मैं और विशाल भी रात को ही आ गया था अराउंड 12:30 बजे के लगभग, पर विशाल ने जलेबी नहीं खाई है तो आज विशाल के लिए जलेबी 5 रुपए की जलेबी आएगी, क्योंकि अकेले खाएगा तो इसके लिए 5 रुपए काफ़ी है। चाय नाश्ता हो गया गाइस, और आज खाने में बनाया है ना स्पेशल खाना आज बना है, जो कि मेरा फेवरेट है, काली दाल और रोटी और चावल, और 2-4 रोटी थी जो कि मैं अभी बना रही हूँ। खाना तो वैसे बन गया है, पर विशाल मार्केट गया था, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लेके आएगा, क्योंकि जाता है हौरा खा के खुद चला आता है पर लेके नहीं आता। क्या बोला तूने? और आज नाश्ते में लेके आया है मेंदू वड़ा और इडली, इतने सारे आए हुए हैं। नाश्ता करके आज का तो मज़ा ही आ गया, बहुत ज़्यादा तीखा था। मतलब ये एक अंकल है ना हमारे हनुमान मंदिर के जस्ट पीछे ही लगाते हैं, अन्ना वाले अंकल है, बहुत ही अच्छी बनाते हैं, मतलब इडली सांभर मेंदू वड़ा, मतलब वो वहीं के हैं ना, कर्नाटक साइड के ही हैं, बोला जाता है ना कि वहाँ का स्ट्रीट फूड यही है, मतलब ज़्यादातर यही सब लोग खाते हैं और वो लोग बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो सच में ये अंकल इतना मस्त बनाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है इनके यहाँ, मतलब सुबह जाओ ना तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे इनके यहाँ से इडली और मेंदू वड़ा लेने के लिए, आपको इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है। और सारे काम अभी मेरे पड़े हुए हैं, देखो सारा ऐसा घर बिखरा हुआ है, अब सारा चेहरी पहले झाड़ू पोछा फिर बर्तन फिर किचन फिर कपड़े, अभी सब कुछ बाकी है और बज गए फिलहाल 12 इस टाइम, मुझे करते करते तो कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं, अभी 5 मिनट बाकी है बस 12 बजे। सारे बच्चे भी आ गए गाइस, अब मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ बाकी तो है बस पूछना बाकी है, बस पूछना मारने के बाद मैं एकदम फ्री हूँ। फिर इन लोगों का ना प्रोजेक्ट बनाना है तभी ये लोग आए हैं, नहीं तो अभी ये लोग इतनी जल्दी आने वाले नहीं थे। इन लोगों का आज प्रोजेक्ट बनाना है, इसका और तनु का, तनु इसका मतलब दोनों लोग का बनाना है, तो मेरे लायक जो होगा ना जो इनसे नहीं होगा वो मैं करूँगी, इसके लिए सारे बच्चों को मैं यही बुला लूँगी, फटाफट पहले क्लीन कर लूँ। और मम्मी देखो अभी से सोना स्टार्ट कर दी है, मम्मी तो सोने भी लगती है, कब मम्मी सोती है कब उठती है इनको कुछ पता ही नहीं चलता, मुझे मम्मी मतलब पूरे दिन सोती रहती है। पता है अभी जस्ट क्या हुआ, मैं जैसे ही पूछना मारने के लिए गई, पानी डाली बाल्टी में, ये देखो मैंने बाल्टी में पानी डाल दिया है और फिनाइल भी डाल दिया है, वैसे ही तनिष्का बोली कि मौसी आपको काम करने में बहुत मज़ा आता है क्या? यार काम करने में किसी को मज़ा आता है क्या, वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी करना पड़ता है, साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो ये बोली कि मुझे तो बहुत मज़ा आता है, तो मैंने बोला करके दिखा दो, तो इसने बोला हाँ करूँगी, तो आज देखती हूँ पूछना मारती इसको मज़ा आता है कि सजा आता है। चलो भाई लग जाओ अपने काम को, इसको फिनाइल की बदबू आ रही है, खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले, देखो खुशबू आती है तो इसको बदबू आ रही है, छिए ये नौटंकी कर रही है, इसको पूछना ना मारना पड़े, इसके लिए बहाना कर रही है लड़की, सच बता रही है, सच में नहीं नहीं तो मैं ही पूछना मार लेती हूँ यार, ये मैं कभी नहीं, अगर आप लोग को मेरी हेल्प करनी है तो पूछना मार सकते हो, बात तो सही है। मसीह को पूरा करती हूँ, करती हूँ क्या मस्त पूछना मारी गाइस, मसीह इस समय मेरा मैक्स मैक्स का प्रोजेक्ट बना रही है, अच्छा बनाया कि नहीं ये तो आप लोग कमेंट करके बताना, बिकॉज मेरे हिसाब से ना सब सही बनाया है, ट्राई एंगल पता नहीं कौन सा एंगल, ये रहे सारे एंगल, मैथ का प्रोजेक्ट है ये, तनिष्का का बन गया है, तनु का बाकी है, तनु दिमाग लगा रही है अपना क्योंकि उन तनु पहले ही लिख ले रही है अपना, मेरा तो लिखने के बाद तनु उसके बाद बनवाएगी। कृष्णा तो आगे निकल गया क्योंकि कृष्णा का सब कुछ हो गया, मैथ्स का भी हो गया, मैथ्स का बस बाकी है मेरा, चलो ठीक है मैथ्स का भी हो गया, उसको भगा रहा है मार, सोना को भगा रहा है मार, क्या कर रहे हो टुन्नी है? टुन्नी है? क्या कर रहे हो उसको भगा रहे हो, इधर देखो उनको भगा रहे हो, लाओ ले लो इधर लाओ, इधर लाओ, ये मोदक पूरण पूरी मैदा मैदा ज्यादा डाला जाता है दोनों इसमें, पूरन पूरी में मैदा डाला ही नहीं जाता, पूरन पूरी में बाबा वो आटा रहता है और पूरन पूरी में दाल रहती है, दाल सबसे ज्यादा पूरन पूरी में रहता है, मैदा पूरन पूरी में यूज ही नहीं होता है।
आज सुबह से त्रिशा का दर्शन नहीं हुआ है भाई। त्रिशा कहाँ थी आप? बोल त्रिशा, त्रिशा मेरी। आजकल सुबह से कब शाम हो जा रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ना ही कुछ भी ब्लॉग बनना पा रहा है, ना ही कुछ हो पा रहा है। और ये गधे महाशय जी सुबह से लेके शाम तक दीदी के रूम पे जाके बैठ जाते हैं। मैं सोचती हूँ तो तुम कल सूरत गए थे, आज सुबह से दीदी के रूम पे तुम थे। मैं सोचती हूँ कुछ इसके साथ प्रैंक करूँगी या फिर कुछ चैलेंज करूँगी, पर ये रहता ही नहीं, तो मैं अकेले क्या करूँगी, मम्मी के साथ करूँगी। मम्मी तो दिन भर सोती रहती है, जैसे कि आप लोग वीडियो में ही देखते हो। और अभी ना अभी दीदी के रूम पे से आती हुई देखो इन्होंने क्या लाया है, दो आइसक्रीम लाया है, एक मम्मी के लिए एक खुद के लिए। मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लेके आया लड़का, और इतने सारे समोसे लेके आए। मैं जैसे ही समोसे का नाम ली ना, वैसे ही आ गया सुमंदी का फ़ोन। और सुमंदी या मौसी का फ़ोन आने का मतलब है मम्मी एक से डेढ़ घंटे तक कंटिन्यू बात करेंगी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो उस बीच में तो मोबाइल नहीं मिलेगा, और अगर तब तक का मैं वेट करती तो समोसे मेरे ठंडे हो जाते। तो समोसे मैं खा भी ली, सारा काम भी कर ली, तब जाके मम्मी की बात ख़त्म हो गई। और मैं टाइम की बात करूँ तो इस समय बज रहे हैं 9:10 बाकी है, और हमारे घर पे हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। महाशय जी अपना फ़ोन चला रहे हैं, मम्मी कैमरा देखते ही जींस के पीछे हो गई है, और मैं आराम से बैठी हूँ काम करके। इतने जल्दी आज मैंने ना सारा काम कर लिया। और बारिश तो 3 बजे मतलब मॉर्निंग में 3 बजे भोर से ही बारिश हो रही है, और अभी तक बारिश नहीं निकली है, कंटिन्यू बारिश ही होती जा रही है। पता नहीं भगवान कितने ज़्यादा खुश हो गए। और आज ना 5 दिन के गणपति का विसर्जन भी था, तो इसलिए बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और आज खाने में गाइस मैंने बनाया चावल फ्राई, और बाकी सुबह का दाल चावल था। इतना ज़्यादा अच्छा था चावल फ्राई कि मैं फटाफट खा के ख़त्म कर दी हूँ, और विशाल अभी चिक चिक के खा रहा है, मतलब हल्का हल्का खा रहा है। और इस समय मैं टाइम की बात करूँ तो बज रहे हैं बुरे के बुरे 10। तो आज का ब्लॉग गाइस मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।